सबको प्यार भरा नमस्कार। अभी समय आ गया है सेक्युलरिज्म की परिभाषा को अपने संपूर्ण रूप में उतारने का और इस देश को सेक्युलर बनाना, जैसा अमेरिका ने अपना देश को सेक्युलर बनाया है, जैसा ब्रिटेन ने अपना देश को सेक्युलर बनाया है। वो सेक्युलर वादी इसलिए हैं कि उनका राज्य धर्म जो है क्रिस्तव मत है। सो क्रिश्चियनिटी को इम्प्लीमेंट करते हुए बाकी सभी लोगों को उनका गणना में मेजॉरिटी या माइनॉरिटी का दर्जा दिया जाता है। हिंदुस्तान का भी यह समय आ गया है कि मेजॉरिटी धर्म को अपना राज्य धर्म मानते हुए सेक्युलरिज्म का पालन करने का समय आ गया है, ये मैं सोच रहा हूं। आइए, आप सबको सत्य भाष्यम में स्वागत है और मैं रामबाबू लिच्चिरवु। अगर ये पहली बार सुन रहे तो कृपया सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए। आज हम बात कर रहे हैं कि टी राजा सिंह का जो लेटेस्ट कंट्रोवर्सी है, राजा सिंह सही या गलत इसके ऊपर हम चर्चा नहीं करेंगे। राजा सिंह जो कह दिया कह दिया। राजा सिंह को अरेस्ट करने का दुस्साहस राष्ट्र गवर्नमेंट राष्ट्र प्रभुत्व ने किया है। उसी समय एक कांग्रेस का एक्स एमएलए या हु हैज कंटेस्टेड एमएलए रियाज अहमद बला बुरा कहकर रसूल के ऊपर गुस्ताखी का इल्जाम लगाते हुए पूरा शहर को जलाने का वादा किया है, उसके ऊपर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। ये दोगलापन क्यों? वैसे ही असदुद्दीन ओवैसी, जो राम सीता लक्ष्मण हनुमान जितने देवी देवता है उनको अनाप शनाप बोलकर इस राष्ट्र में जिंदा घूम सकता है, उसको आज तक अरेस्ट करने का नौबत नहीं है, कोर्ट भी उसको खारिज कर दिया है। ये दोगलापन क्यों? और हमारे अकबरुद्दीन ओवैसी, जो सेक्युलरिज्म की परिभाषा बोलते हैं, उन्होंने हमारा ग्राम देवता का जो पूजा होती है बतकम्मा का, उसके ऊपर अवहेलना करते हुए केसीआर के मुंह पे तमाचा मारा है, फिर भी आज तक उसके ऊपर कोई अरेस्ट वारंट नहीं हुआ है। ऐसे हम गिनते जाएंगे तो बहुत सारे, नुपुर शर्मा जिन्होंने रिएक्ट किया है तस्लीम रहमानी के भाषण के ऊपर, आज भी तस्लीम रहमानी अपने बीच में घूमता है, उसके ऊपर आज भी अरेस्ट वारंट नहीं है ना एफआईआर दर्ज हुआ है। ये दोगलापन क्यों? ये सब चिट्ठा आज हम खोल रहे हैं, आज इन सब की बात कर रहे हैं, इनका मूल कारण क्या है, राजा सिंह का कंट्रोवर्सी क्या है, ये सोचना है तो आप हैदराबाद जाना चाहिए, जिधर मुनव्वर फारूकी का शो को लेकर ये विवाद खड़ा हुआ है। मुनव्वर फारूकी जिन्होंने अपने हास्य व्यंग में सिर्फ हिंदुओं का देवी देवताओं को टारगेट करता है, सिर्फ भारत माता के ऊपर अनाप शनाप बोल सकता है, बोलते हुए हंसाता है, और गोधरा कांड के जितने बलिदानी थे उन सबके ऊपर अवहेलना करते हुए बात किया है। उसका शो रोकने के लिए राजा सिंह ने विनती किया था केटीआर, जो छोटे नवाब आज हमारे तेलंगाना के हैं। इनका रिक्वेस्ट यही था कि राम और सीता माता को अनाप शनाप बोलने वालों को आप स्टेट का गेस्ट के दर्जा कैसा दे सकते हैं, उनका शो रोकना चाहिए, राम भक्त का मनोवेदना आप लोग समझना चाहिए, यही गलती राजा सिंह ने किया है। शायद कुछ बला बुरा भोर दिया होगा जो इमोशन में आके लोग अपने संतुलन खोते हैं, उसका शायद आज वो भुगत रहा है जो अरेस्ट किया हुआ है। बट मैं ये पूछना चाहता हूं, अपने कोर्ट है, अपने जज साहब है,
ये सब ये दोगलापन क्यों दिखा रहे हैं? हिंदू के लिए एक राज्यांग और जो माइनॉरिटी के लिए एक और राज्यांग, ये कितने दिन चलाएंगे आप? तो मैं जो बोलना चाह रहा हूं, मैं यही बात बोलना चाह रहा हूं कि क्रिश्चियन कंट्रीज, देर आर एटलीस्ट 64 कंट्रीज हु हैव डिक्लेयर्ड देमसेल्व्स एज क्रिश्चियन स्टेट्स एंड सम ऑफ देम हैव ऑल्सो डिक्लेयर्ड देमसेल्व्स ऑफ सेक्युलर स्टेट्स. देर आर 51 कंट्रीज हु हैव डिक्लेयर्ड देमसेल्व्स एज इस्लामिक रिपब्लिक. ओनली फ्यू ऑफ देम, 3 or 4, claim to be secular countries, but all others have declared themselves as Islamic countries. So, सभी का अपना अपना एक धर्म बिठाया है लोगों ने, और हिंदू धर्म पालन करने वाले, बौद्धिज्म पालन करने वाले हैं सिर्फ एशिया में मिलेंगे आपको, भारत, श्रीलंका, म्यांमार, नेपाल, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम और कुछ हद तक साउथ कोरिया. यही देश इधर हिंदुइज्म फॉलो करते हैं या बुद्धिज्म फॉलो करते हैं. तो मैं हिंदुस्तान को सेक्युलर घोषित करना चाहता हूं, जिधर मेजॉरिटी होंगे हिंदू, जिधर मेजॉरिटी है हिंदू, और जिसका राज्य धर्म होना चाहिए सनातन धर्म. इसके बाद फिर अपन डिफाइन करेंगे माइनॉरिटी कौन और मेजॉरिटी कौन. उस हिसाब से करने से सबको न्याय मिलेगा, सभी सुख शांति से रह सकते हैं, क्योंकि जिधर हिंदू है वहां सेक्युलरिज्म है ही. जिधर हिंदू है सर्वे जना सुखिनो भवंतु के हिसाब से ही सबको देखता है. लेकिन जिस जिस राज्य में अपने हिसाब से सेक्युलरिज्म चला रहे हैं, वहां का स्थिति क्या है आप सबको अवगत है? नहीं अवगत है तो कृपया जानिएगा उनके बारे में थोड़ा रिसर्च कर. तो समय आ गया है धर्मयुद्ध का, समय आ गया है धर्म रक्षा का, समय आ गया है अपने आप को बचाते हुए अपना धर्म को और देश को बचाने का. अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा और समझ आया तो कृपया लाइक शेयर कीजिए, और अगले वीडियो तक मैं रहता हूँ रामबाबू चेरुबू हैदराबाद.